गुरुग्राम में दो दिन तक बीजेपी का महामंथन चला और फिलहाल ओमप्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। सर, किस तरह की बैठक हुई और किस तरह का जो है वातावरण है? ऐसा बहुत शानदार वातावरण है, बहुत अच्छी बैठक हुई है। सभी 90 की 90 सीटों पर विचार हुआ है। जो प्रस्तावित कैंडिडेट थे सबके गुण क्वालिटी समीकरण इन पर विस्तार से चर्चा हुई। बीजेपी हमेशा बदलाव की राजनीति करती है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो दो सांसदों की टिकट काटती थी, पिछली बार कई मंत्रियों की टिकट काटी थी, विधायकों को, इस बार भी कुछ इस तरह की चिंतन और मंथन था, इस प्रकार का नहीं था। जब चीजें फाइनल होती है तो उस समय कुछ चीजें क्या आएंगी, वो आगे बढ़ेंगे, फाइनल टिकटों पर विचार होता है। अभी तो हर व्यक्ति की गुण धर्म पर, समीकरण पर, विजिबिलिटी पर विचार हुआ है। तो ये तो एक प्रोसेस है जिसमें से एक तरह से मंथन होता है, उस प्रकार का मंथन सब पर हुआ है। क्या सांसद थे जो अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे हैं? चाहे सारे ऑप्शन खुले रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो लगातार ये थे हमारे साथ ओमप्रकाश धनखड़ जी, जिनका मानना है कि अच्छे वातावरण में बैठक हुई और 90 की 90 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन किया गया। हालांकि पैनल में जो है 5-5 नाम दिए गए हैं और उसके बाद अब बीजेपी की पार्लियामेंट बोर्ड ही तय करेगा कि आखिरकार किसको चंडीगढ़ की टिकट देनी है और किसको अलग अलग 90 सीटों पर चुनाव लड़ाना है। गुरुग्राम से नीरज बावता, सूर्य समाचार।